दोस्तों आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, ये होगा सैटरडे डबल हेडर का पहला मुकाबला जो 3:30 बजे शुरू होगा, यानी दोपहर का मुकाबला। जाहिर सी बात है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, वहाँ पर गर्मी होगी, टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा लेकिन गर्मी फिर भी होगी, ह्यूमिडिटी भी रहेगी। और साथ ही साथ सबसे पहले पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। पिच रिपोर्ट तो आप जानते ही हैं, यहाँ पर जितने भी मुकाबले हुए हैं यहाँ पर बहुत रन्स बनते हैं क्योंकि बेल्टर विकेट है, फ्लैट है, गेंद बिल्कुल ज़बरदस्त बल्ले पर आता है और शॉर्ट बाउंड्रीज है, तो यहाँ पर बैटिंग पैराडाइज भी इस पिच को कहा जाता है, इस पूरे स्टेडियम को। और हमने पिछले मुकाबले में यानी KKR वर्सेज RCB में एक चीज़ देखी थी कि जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ा था तो KKR के स्पिनर्स यानी सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती को थोड़ा बहुत टर्न भी मिलना शुरू हो गया था, और करण शर्मा जो कि RCB के लेग स्पिनर थे जो उस मुकाबले में खेले थे, उनको भी थोड़ा थोड़ा टर्न मिलना शुरू हुआ है, यानी कि हल्का हल्का जो विकेट पिच है वो ड्राई होने की भी संभावना है। और साथ ही साथ यहाँ पर स्पिनर में रोल में आ सकते हैं लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा भी नहीं, इतना ज़्यादा भी स्पिनर्स इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते इस पिच को क्योंकि बाउंड्री शॉर्ट है, और अगर फुल डाली, गति ज़्यादा दी तो बल्लेबाज वो दूर ही मारेगा यानी बाउंड्री के बाहर ही मारेगा, छोटा स्टेडियम है। अब बात करते हैं वेदर की, यानी कि थोड़ी ह्यूमिडिटी होगी, दोपहर का मुकाबला है तो गर्मी होगी ही होगी, लेकिन जैसे सूरज ढलेगा तो टेम्परेचर जो है कूल होता जाएगा, थोड़ी थोड़ी शाम के टाइम ठंडी हवा भी चलेगी, ड्यू का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ड्यू आएगी नहीं, दिन का मुकाबला है, शाम को ड्यू आने से पहले मुकाबला खत्म हो जाएगा। तो ये थी पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की, जहाँ पर मुकाबला होगा RCB वर्सेज दिल्ली कैपिटल्स का। आप क्या सोचते हैं दोनों में से किस टीम का पलड़ा भारी है? RCB ने एक मुकाबला अपने खाते में जीत कर रखा हुआ है लेकिन दिल्ली कैपिटल्स एक भी मुकाबला नहीं जीती है, वो देखेगी कि मुकाबला जीते और RCB भाई एक चीज़ इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी कि उनकी बॉलिंग सुधरे, और अगर उनको डिफेंड करना पड़े टोटल तो भाई मुसीबत में ना पड़े जैसे पिछले मुकाबले में पड़ी थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।